नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। सागर में नए कलेक्ट्रेट परिसर में 700 साल पुराने कल्प वृक्ष पेड़ के नीचे हनुमान जी एवं शिवलिंग की स्थापित मूर्तियों को एसडीएम के आदेश पर क्षतिग्रस्त किए जाने पर शिवसेना संगठन ने आज पुलिस अधीक्षक एवं डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने कहा कि जहां कई वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, वहीं सागर में नई कलेक्ट्रेट परिसर में 700 साल पुराने कल्पवृक्ष पेड़ के नीचे हनुमान जी एवं शिवलिंग की मूर्तियों को जिला प्रशासन के आदेश के बाद रात में चोरों की तरह क्षतिग्रस्त करने का घिनौना कृत्य किया गया है। इससे कहीं ना कहीं एसडीएम की खराब मानसिकता उजागर होती है। जो चबूतरा प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है उससे ना तो कहीं आवागमन प्रभावित हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश जैन द्वारा मंदिर को तोड़वाने के पीछे क्या प्रयोजन था यह समझ से परे है। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले अधिकारियों पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। यदि शीघ्र दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो शिवसेना सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज हमने कल जो कृत्य हुआ है प्रशासन द्वारा हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ा गया है उसके खिलाफ हमने एसपी और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन अधिकारियों पर जांच की जानी चाहिए जिन्होंने मूर्तियां तोड़ने का कृत्य किया है। अगर उन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, क्योंकि जहां जो कल्प वृक्ष का पेड़ प्रशासन द्वारा काटा गया था वो 700 साल पुराना है और शिवलिंग मूर्तियों को उन कर्मचारियों द्वारा खंडित किया गया। एक बार भी हिंदू संगठनों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इस मूर्तियों को खंडित किया है उनपे हिंदू धर्म को भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जाए।